पवन पुत्र हनुमान जी की जय। तो चलिए दोस्तों, एक्स वाई जेड की मदद से हम बनाएंगे हनुमान जी का बहुत ही सुंदर सा ड्राइंग। देखिएगा, जेड हमने बना दिया। जेड के बिल्कुल इस वाले कोने पर हमें वाई बनाने हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़े से तिरछी ये वर्ड्स हमें लिखने हैं। वाई के इस वाले कोने पर एक्स बनाएंगे। देखिएगा, कोनों कोनों पर हमने वर्ड लिखे हैं तिरछी लाइन में। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से आपको बनाने हैं। अब देखिएगा कितने आसानी से हम हनुमान जी का ड्राइंग बनाते हैं। जेड के इस वाले हिस्से में उनके पैर आएंगे, कमर का हिस्सा। कुछ इस तरह से उनके दोनों पैर हम बना सकते हैं। एक पैर उन्होंने नीचे रखा है ज़मीन पर, लेफ्ट वाला, राइट वाला थोड़ा सा ऊपर है, उड़ान भरने की तैयारी में है। देखिए, इस तरह से उनका लेफ्ट वाला पैर बन गया। ये उनके धोती पर कुछ डिज़ाइन हम बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपके ड्राइंग टीचर सूरज ने आपके लिए बड़े प्यार से ये ड्राइंग बनाया है। आसानी से देखिए, इस तरह से उनका राइट वाला पैर बनेगा, जो थोड़ा सा इस तरह से उन्होंने रखा हुआ है। उनके पैरों में कड़े बनेंगे, ये उनके पैर। सिंपल सा तरीका। अब यहीं से हम उनकी एक बार पूंछ बना लेंगे। सिंपल सा तरीका है ये भी। यश का आकार भी आप इस तरह से तिरछा ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि उनकी सुंदर सी पूंछ बन सके। हनुमान जी का ड्राइंग है, ज़रूर से बनाइएगा। दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप भी कृपा पाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी कृपा पाने का मौका दीजिए। एक्स में से ही हम उनकी गदा बनाएंगे, जो उन्होंने कंधे पर ली हुई है। देखिए, इस तरह से एक्स को ही हम गोलाकार दे देंगे और गदा बन जाएगी। कितने आसानी से यहाँ से उनका कमर का हिस्सा जोड़ देंगे। वाई में से ही उनका जो हाथ है वो हम बनाएंगे, जिस हाथ में उन्होंने गदा थामी हुई है। देखिए, उनका लेफ्ट वाला हाथ बन गया। गदा की जो डंडी है, उस हिसाब से ही हमें हाथ का जो पोस्चर है वो बनाना पड़ेगा। देखिए, इस तरह से उनका हाथ बन गया। यही से जो गदा की डंडी होती है, बड़ी सी लंबी सी, इस तरह से बनाएंगे। कितना आसान है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बस हमें जोड़ना ही तो है। देखिए, कुछ इस तरह से उनके सीने का हिस्सा, बहुत ही मस्कुलर सा उनका शरीर है, कसरत वाला। देखिए, इस तरह से यहाँ पर उनका हम चेहरा बनाएंगे। थोड़ा सा आधा ही हमें चेहरा दिखेगा, क्योंकि गदा की वजह से आधा ही हमें चेहरा दिखेगा, आधा छिप जाएगा। यहाँ पर उनकी आंखें बनाएंगे, यहाँ पे उनका मुंह हम बनाएंगे। देखिए, वानर रूप में उनका अवतार था, तो इस तरह से उनका चेहरा दिखेगा। यहाँ पे हम उनका सुंदर सा मुकुट बनाएंगे। सिंपल सा ही तरीका है। आप चाहे तो पेंसिल से भी पहले बना सकते हैं। ये उनके थोड़े से बाल हमें दिखेंगे गदा के पीछे से, थोड़े से लहराते हुए सुंदर तरीके से। देखिएगा, अब उनका जो राइट वाला हाथ है वो हम बना लेंगे। हवा में उड़ने के लिए तैयार है वो। देखिए, इस तरह से उनके हाथ की पोजीशन आएगी। ये उनका राइट वाला हाथ बन गया। कितने आसानी से अब गदा पर कुछ डिज़ाइन हम बना लेंगे। ज़्यादा भी डिज़ाइंस मत बनाइएगा, जितने ड्राइंग को शोभा देते हैं उतने ही बनाइएगा। उनके कपड़ों पर, हाथों पर, गहनों पर कुछ डिज़ाइन हम बना सकते हैं, या सिंपल से डॉट्स भी आप दे सकते हैं। अब सुंदर तरीके से इस ड्राइंग को हम कलर करेंगे। आप भी शांति से, आराम से इस ड्राइंग को बनाइएगा। सिंपल सा ही तरीका है, एक्स वाई जेड की मदद से। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे ड्राइंग टीचर सूरज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि डेली हमारी मुलाकात हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही फिर से मिलते हैं। पवन पुत्र हनुमान की जय, बजरंग बली की जय, जय श्री राम।